संपूर्ण विश्व में जहाँ पर भी हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देशों में, भारत देश के साथ साथ सभी जगहों पर दशहरा इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि इस समय भगवान राम ने रावण का वध किया था। लेकिन बस्तर का जो दशहरा है वो रावण वध की परंपरा से एकदम अलग है। बस्तर में यहाँ का जो समाज है वो जो दशहरे को मनाता आ रहा है पिछले 600 से भी अधिक वर्षों से, उसमें रावण वध की परंपरा का कोई प्रचलन नहीं है। बस्तर में यहाँ का दशहरा, यहाँ की जो आराध्य देवी है माँ दंतेश्वरी, उनके सम्मान में ये दशहरा पर्व आयोजित किया जाता है और इस दौरान शक्ति की उपासना जो है वो यहाँ के लोग करते हैं और मूल रूप से माता दंतेश्वरी के सम्मान के लिए ही बस्तर का दशहरा मनाया जाता है। बस्तर की जो आराध्य देवी हैं माँ दंतेश्वरी, दरअसल ये बस्तर के राज परिवार की इष्ट देवी रही हैं और बस्तर का जो काकतीय राज परिवार है इसकी इष्ट देवी होने के नाते यहाँ का जो पूरा जनसमुदाय रहा है, यहाँ की जो जनता रही है, क्योंकि राज परिवार की इष्ट देवी माँ दंतेश्वरी हैं, ऐसे में जनता ने भी माता दंतेश्वरी को एक प्रकार से अपनी इष्ट देवी होने का सम्मान दिया और बस्तर के अलग अलग इलाकों में, दूर दराज के इलाकों से भी बस्तर के दशहरे में जब लोग शामिल होने आते हैं तो वहाँ के जो ग्राम देवी देवता होते हैं, उनके जो विग्रह होते हैं, उनके जो प्रतीक होते हैं, उनको ले करके यहाँ पर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि माता दंतेश्वरी के सम्मान में 600 से अधिक अलग अलग गाँवों के देवी देवताओं के विग्रह यहाँ पर उनके सम्मान में बस्तर के दशहरे में शामिल होने के लिए आते हैं। एक प्रकार से बस्तर का दशहरा न केवल माता दंतेश्वरी के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला एक महापर्व है, वहीं दूसरी तरफ बस्तर का जो दशहरा है ये देवी देवताओं का महाकुंभ भी है। जब आप बस्तर के दशहरे को पास से देखेंगे, जब आप उसमें शामिल होंगे, तो आप देखेंगे कि बस्तर का जो पूरा का पूरा दशहरा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है। बस्तर के दशहरे में जैसे जैसे ये परंपराएँ आगे बढ़ीं तो कई चीज़ें और भी जुड़ती गईं। जैसे मैं आपको बताऊँ जोगी मिठाई के बारे में, आपने पिछले एपिसोड में भी देखा और अभी भी मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बस्तर के दशहरे में नवरात्र के पहले दिन जोगी मिठाई की परंपरा है। Thank you.
किसी ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में जब बस्तर का दशहरा संचालित हो रहा था, तो एक बार एक ग्रामीण युवक बस्तर दशहरे के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना के साथ, यहाँ पर एक भवन है जिसे सिरासार कहा जाता है। सिरासार इसलिए क्योंकि जितने भी देवी देवताओं के पुजारी जो सिरहा होते हैं उनके रुकने का स्थल होता है, तो उसी सिरहासार के करीब एक युवक बस्तर दशहरे के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना के साथ तपस्या में बैठ गया था। और ये युवक लगातार 9 दिनों तक इसी तपस्या में बैठा रहा और इस दौरान उस युवक ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया। जब बात राजा तक पहुंची और राजा ने जब मालूम किया कि आखिर ये युवक कौन है और ये चाहता क्या है, और जब राजा को इस युवक की कहानी मालूम चली कि ये बस्तर दशहरे के शुभ संपन्न होने के लिए ये युवक तपस्या में बैठा है, तो राजा ने उसे सम्मान दिया। और राजा ने योगी के बैठने की जो परंपरा है इसको बस्तर के दशहरे की विभिन्न परंपराओं में से एक प्रमुख परंपरा के रूप में शामिल कर लिया। और उसी समय से हर साल जब बस्तर का दशहरा मनाया जाता है तो एक युवक जो है, जो कि जोगी जनजाति का युवक है, ये समीप के गांव का है, चित्रकूट का लोहंडीगुड़ा जो ब्लॉक है वहाँ का एक समुदाय विशेष है, उसी समुदाय से अलग अलग समय में अलग अलग युवक आते हैं और वो बाकायदा इस जोगी बिठाई की रस्म में बैठते हैं और 9 दिनों तक लगातार तप करते हैं। 9वें दिन जब नवरात्रि का 9वां दिन होता है, उस दिन जोगी को उठाया जाता है, उसे पुरस्कृत किया जाता है। और सबसे खास बात ये भी है कि जो युवक बस्तर के दशहरे के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना के साथ तपस्या में बैठा रहता है, वो बस्तर दशहरे की रस्मों को कभी नहीं देख पाता है, क्योंकि वो खुद तपस्या में लीन रहता है। उसके आसपास ही रथों का संचालन होता है और विभिन्न प्रकार के जो रस्म हैं वो निभाए जाते हैं, लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन होने की वजह से खुद इन रस्मों को नहीं देख पाता। ये जो जोगी होता है उसके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा होती है, लोग दूर दूर से आते हैं बस्तर का दशहरा देखने, तो वे जोगी का दर्शन भी करते हैं। जोगी के सामने एक अखंड जो दीप है वो प्रज्वलित होता है, लोग आकर के जोगी को प्रणाम करते हैं और जोगी उन्हें आशीर्वाद देता है, उन्हें प्रसाद देता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामना लोगों की होती है, अगर वो जोगी के सामने बैठ करके मनोकामना मांगी जाए तो जरूर पूर्ण होती है। इसी तरह बस्तर के दशहरे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रथ के संचालन की भी परंपरा है, तत्कालीन जो महाराजा थे पुरुषोत्तम देव, क्योंकि वो रथपति हो गए थे और ऐसे में बस्तर के दशहरे की परंपराओं में रथ के चालन की परंपरा भी शुरू हो गई। रथ चालन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि माता दंतेश्वरी का जो छत्र होता है, आप पीछे माता दंतेश्वरी का ये मंदिर देख रहे हैं, तो माता दंतेश्वरी के मंदिर से प्रत्येक शाम लगातार 5 दिनों तक माता दंतेश्वरी का छत्र उनके प्रधान पुजारी लेकर के बाहर निकलते हैं और मुंडा बाजा की थाप पर, मुंडा बाजा एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है और इसका एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो माता दंतेश्वरी की आराधना का गीत गाता है और मुंडा बाजा वो बजाता है, और उस बाजा की जो थाप होती है उस थाप के साथ साथ माता दंतेश्वरी का जो छत्र होता है उसे लेकर के जो प्रधान पुजारी हैं वो दंतेश्वरी मंदिर से निकलते हैं। और उसके बाद वो मावली मंदिर और जगन्नाथ मंदिर की का फेरा लगाते हुए वहाँ से आगे निकलते हैं और जो माता जी का जो छत्र है उसे लेकर के वो रथारूढ़ होते हैं।
और माता दंतेश्वरी का जब छत्र रथ पर रथारूढ़ हो जाता है तो आसपास के लगभग 26 गांव के सैकड़ों ग्रामीण उस रथ को खींचते हैं। बड़ी श्रद्धा और अगाध श्रद्धा के साथ ये रथ खींचा जाता है। और यही समीप में जो माता मावली का मंदिर है, माता मावली के मंदिर की परिक्रमा इस रथ की करवाई जाती है। माता मावली के मंदिर की एक पूरी परिक्रमा के बाद रथ वापस दंतेश्वरी मंदिर पहुंचता है। और रथ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि रथ पर जब माता दंतेश्वरी का छत्र आरूढ़ किया जाता है तो बाकायदा पुलिस के लोग वहाँ पर बंदूकों की सलामी माता को देते हैं। माता का छत्र दंतेश्वरी मंदिर के सम्मुख पहुँचता है और उसके बाद उन्हें सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। और उसके बाद वापस रोज़ाना माता दंतेश्वरी के मंदिर में उस छत्र को स्थापित किया कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार 5 दिनों तक चलती है। किसी ज़माने में ये जो रथ है ये पूरी तरीके से फूलों से सुसज्जित होता था, इसलिए इस रथ को फूल रथ कहा जाता है। हर वर्ष नया रथ बनता है और जो पिछले वर्ष का जो रथ होता है उसे हर वर्ष फूल रथ के रूप में दशहरे में शामिल किया जाता है। लेकिन जब आखिरी दिन बाहर रहने भीतर रहने की परंपरा होती है उस समय नया रथ, जिसे विजय रथ कहा जाता है, उस रथ को खींचा जाता है और उस पर माता दंतेश्वरी का छत्र जो है वो रखा जाता है। तो बस्तर का दशहरा जो है वो ना केवल माता दंतेश्वरी के प्रति भक्ति भावना का पर्व है, साथ ही रियासतकालीन परंपरा के अनुसार ये बस्तर के जितने भी समुदाय होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का, उनमें एक समन्वय स्थापित करने का एक महापर्व होता है। और इस तरीके से बस्तर का जो दशहरा है वो संचालित होता है। Yeah.
भाग 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 भाग